बढ़ेंगे आगे। अजमेर से खबर है, यहाँ पर आरपीएससी के बाहर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। ग्रुप सी और डी का नतीजा जल्द जारी करने की मांग की गई। ग्रुप ए और बी की परीक्षा तो रद्द हो चुकी है, ऐसे में बाकी ग्रुप के नतीजे जारी करने की मांग की गई। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के बैनर तले प्रदर्शन, महासंघ प्रदेश अध्यक्ष हरपाल दादरवाल की अगुवाई में प्रदर्शन। आयोग संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता से हुई वार्ता, जल्द परिणाम जारी करने का भरोसा मिलने पर स्थगित हुआ आंदोलन। आपको बता दें कि आरपीएससी के बाहर सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। अभिजीत दबे हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। ग्रुप सी और डी का नतीजा जल्द जारी करने की मांग हो रही है, प्रदर्शन हो रहा, क्या है मौजूदा स्थिति बताएं अभिजीत। देखिए, राजस्थान एकीकृत महासंघ के बैनर तले आरपीएससी के बाहर जो है वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के कई अभ्यर्थी जो है हाथे में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी माफी की लंबा समय हो गया इस परीक्षा के आयोजन को लेकर, लेकिन अभी तक भी परिणाम जारी नहीं किया गया है। जबकि इसी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले में इससे पहले ग्रुप सी और डी का जो पेपर था वो पीएससी की ओर से रद्द कर दिया गया, लेकिन ग्रुप ए और डी के नतीजे जो है वो जारी नहीं किए गए। इसी मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक एकीकृत महासंघ के बैनर तले यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था और आयोग के जो संयुक्त सचिव हैं आशुतोष गुप्ता, उनके साथ जो महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरपाल दादरवाल, उनकी एक वार्ता भी हुई है। वार्ता में आयोग की ओर से इन तमाम अभ्यर्थियों को संतुष्ट किया गया है कि इस महीने के अंत से जो है जो परीक्षा है उनके परिणाम निकालने की कवायद जो है वो जल्द शुरू कर दी जाएगी और यथासंभव उन्हें नियुक्ति की अनुशंसा भी विभाग को भेज जाएगी। इस बात को लेकर जो प्रस्तावित आंदोलन था महासंघ का, वो आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है और इस महीने के अंत तक का समय जो है एसीएफ महासंघ ने आरपीएससी को दिया, जिसके बाद अभ्यर्थी जो है अपने गंतव्य से लौट गए। तो जल्द परिणाम जारी करने की बात कही गई है, क्या कोई तारीख वगैरह सुनिश्चित की गई है कि अभी सब सिर्फ आश्वासन दिया गया कि भाई जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा मामला? देखिए, तारीखों का विधिवत रूप से आधिकारिक रूप से आरपीएससी के किसी भी अधिकारी ने जो है वो दावा नहीं किया है, लेकिन आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता की ओर से यही कहा गया कि इस महीने के अंत से जो है परिणाम निकालने की कवायद जो है वो शुरू कर दी जाएगी और परिणाम निकालने के साथ ही जो पात्रता जांच होगी उस प्रक्रिया को भी जल्द से जल्द संपादित कर दिया जाएगा और जुलाई के अंत तक इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। तो संभव यही उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त तक जो है जो शेष ग्रुप है जिनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई है और जिनकी परीक्षाओं के परिणाम की मांग की जा रही थी, अगस्त तक उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो एक आश्वासन दे दिया गया जिसके बाद में ये आंदोलन जो है वो स्थगित हुआ है, प्रदर्शन स्थगित हुआ है। बढ़ेंगे आगे।